हैं फ्रेंड्स मज़ेदार नूडल्स बनाने के लिए, आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक पैकेट नूडल्स ले लिया है और मैं कढ़ाई में पानी डालूँगी। करीब 10 से 10 ग्लास मैंने इस बड़े कढ़ाई में पानी डाला है और उसमें मैं 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। पानी में थोड़ा बॉयल आ गया तो मैंने इसमें नूडल्स को डाल दिया और 2 से 3 बॉयल आने पे मैं इसे अच्छे से धो ड्रेन कर लूँगी। और फिर उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे प्याज 5 प्याज काट लिए और 3-4 हरी मिर्च और 3 टमाटर भी मैंने ले लिया है काट के। अब दोस्तों देखिए, मैंने कढ़ाई में उसी कढ़ाई को मैंने अच्छे से धोकर उसमें 5 से 6 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला और मैं उसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करूँगी जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और फिर उसके बाद मैं इसमें प्याज डालूँगी, आप चाहे तो प्याज अपने अनुसार देख सकते हैं। फिर मैं ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, टोमेटो केचप ये सबको मैं ऐड करूँगी और विनेगर को भी। दोस्तों ये देखिए, हमारा प्याज थोड़ा सा यहाँ पक गया था तो मैंने इसमें टमाटर को ऐड कर दिया है और दोस्तों मैं इन सबको अच्छे से फ्राई करूँगी। यहाँ मैं फ्लेम को थोड़ा सा लो करूँगी और मैं इसे अच्छे से पकाऊँगी। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार 1 स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, हमारे यहाँ पे प्याज और टमाटर अच्छे से दोनों पके हैं। थोड़ा सा मैं इसमें 2 बड़े चम्मच सोया सॉस डालूँगी और मैं इसे अच्छे से पकाऊँगी। दोस्तों यहाँ फ्लेम मेरा लो हो जाना चाहिए, नहीं तो वरना ये सब चीज़ें जल जाती हैं। देखिए दोस्तों कितना यम्मी दिख रहा है ना दोस्तों। फिर इसके बाद मैं इसमें इसे पका लेने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा टोमेटो केचप भी ऐड करूँगी। करीब ये 1/2 चम्मच से 1.5 चम्मच रहेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब क्या करूँगी मैं इन सब चीज़ों को भी अच्छे से चला लूँगी और थोड़ा देर में इसे पकने दूँगी। दोस्तों प्लीज़, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी देखने को मिल जाए। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे अच्छे से यहाँ पका लिया है। अब दोस्तों मैं क्या करूँगी कि इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस भी डाल दूँगी और दोस्तों ये डालने के बाद हमारा मसाला पक गया है। तो मैंने यहाँ पे ये जो नूडल्स थे दोस्तों, मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है और फिर उसके बाद मैं इसे अच्छे से डाल के मैं इसे चलाऊँगी। दोस्तों मेरा फ्लेम यहाँ बिल्कुल लो रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने सब डाल दिया, अब मैं इसे अच्छे से चलाऊँगी। कितना यम्मी दिख रहा है ना दोस्तों, आप ज़रूर इसे अब ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। देखिए दोस्तों, मैं कितने अच्छे से चला रही हूँ इसे चारों तरफ से, फ्लेम तो मेरा मीडियम था। ये देखो दोस्तों कितना अच्छे से ये मिल गया है। दोस्तों आप अपने गेस्ट को ज़रूर बना कर खिलाएं और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा बना है। दोस्तों अभी मैं इसमें इसे 2 फोक की हेल्प से मैं इसे अच्छे से चलाऊंगी ताकि ये सारे जगह अच्छे से मिल जाए। देखिए दोस्तों, मैंने कितने अच्छे से चला रहा है इसे। दोस्तों इसकी मेरी एक शॉर्ट वीडियो भी है, आप उसे ज़रूर देखें। और दोस्तों देखिए, ये चारों तरफ से अब मेरे पक गए हैं। मैं यहाँ पे फ्लेम को भी अब थोड़ा हाई की हूँ। अब दोस्तों मैं क्या करूँगी इसमें चला लूँगी और मैं देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और केचप यूज किया। दोस्तों टोमेटो केचप मैंने थोड़ा सा और डाल दिया था। ये देखिए दोस्तों, चार मैंने इसे कितने अच्छे से मिला लिया है चारों तरफ से। आप ज़रूर इसे अपने घर बनाएं, ये बच्चे बूढ़े सबको आप दे सकते हैं। ये एक बहुत ही स्पाइसी डिश है, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। ये देखिए दोस्तों कितना यम्मी दिख रहा है ना। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।